बिगोनिया एक बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। कुछ कुछ इसकी लीव्स सकुलेंट्स की तरह से हैं और बहुत सारे कलर में ये आता है। बहुत आसानी से आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। वैसे तो ये एक पेरेनियल प्लांट है, पूरे साल ही रहता है, लेकिन जो इसका मेन फ्लावरिंग सीज़न होता है, जिसके लिए हम इसको जानते हैं, वो विंटर्स हैं। और आप इसकी लीव्स देखें, लीव्स की इतनी इतनी खूबसूरत होती हैं इसकी पत्तियाँ कि वो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा कलर होता है इनका। कभी आपको एकदम ग्रीन मिल जाएंगी। और ये देखिए, कुछ ये मैरूनिश लीव्स हैं, ये अपने आप में देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बहुत आसानी से हम इसको उगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। और इसको जो पॉट साइज़ चाहिए वो बहुत बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं। तो ये देखिए, मेरा जो ये लगा हुआ है, ये 6 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आपको बड़ा पॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से उगता है। हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है, और अभी इसमें ये पहला छोटा सा फ्लावर खिला है। लगाया थोड़ा सा देर में था, इसलिए फ्लावरिंग भी इसमें देर से शुरू हुई है, लेकिन इससे, इस वाले से इसका कलर थोड़ा सा डिफर कर रहा है। तो आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन में ये चलता है। और जो आप पॉट में लगाएं तो बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं है। अगर इसके पॉटिंग मिक्स की बात की जाए, तो आप नॉर्मली जो पॉटिंग मिक्स आप अपने और सॉइल्स के लिए और प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, वही कर सकते हैं। थोड़े से, हाँ, इसमें कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, और बिल्कुल पानी इसमें लगा नहीं रहना चाहिए, बस मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तो मॉइस्चर बना रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल पानी रुकना नहीं चाहिए। तो वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, ताकि आप इसको पानी दीजिए और पानी सारा इसमें से निकल जाए। क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी इसमें रह गया तो रूट रॉट से ये प्लांट मर सकता है। तो ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए। आप सॉइल मिक्स ऐसा बनाइए, उसमें रेत की मात्रा अच्छे से डाल दीजिए, ताकि जो पानी हम डालें वो उसमें आसानी से निकल जाए। अगर इसकी हम सनलाइट की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा प्लांट है जो शेड लविंग है। तो अगर आपके यहाँ धूप कम आती है, नहीं आती है आपकी बालकनी में, टेरेस में, तो आप इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं, और आपका गार्डन देखिए एकदम फूलों से भरा रहेगा। कलर्स में इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं। मेरे पास तो अभी एक यही है, और ये जो दूसरा लगाया है मैंने, वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा हल्का है, ऑलमोस्ट सेम कलर सा ही है। तो लेकिन इसमें वाइट, पिंक और रेड बहुत खूबसूरत कलर्स आते हैं। तो अगर आपके यहाँ सनलाइट की प्रॉब्लम है, तो इसको आप आराम से अपने बालकनी में लगा सकते हैं। जाड़े में इसको आप फुल सन में रख सकते हैं, क्योंकि तब जो इंटेंसिटी होती है सन की, वो काफ़ी कम होती है, और उसको तो ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्च में गर्मी थोड़ी शुरू होती है, अब हमारे यहाँ तो देखिए फरवरी शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तब इसको मुझे एकदम वहाँ से हटाना पड़ा। और या तो अब इसको छाया में रखा जा सकता है, बेटर हो कि आपके पास कोई बड़ा प्लांट हो, आप उसके नीचे रख दीजिए। क्योंकि कलर के लिए थोड़ा सा ब्राइट लाइट तो हर प्लांट को ही चाहिए होती है, और जब इतने खूबसूरत कलर हों तो ब्राइट लाइट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी जगह प्लेस करिए इसको, जहाँ इसको थोड़ी सी धूप छन के मिलती रहे, ताकि इसका कलर बहुत अच्छे से निखर कर आए और बहुत अच्छी ये फ्लावरिंग भी कर सके। अब अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो जब आपने इसको एक बार रिपोर्टिंग कर दिया, तो 1 महीने तक इसमें कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए, तो गमले में हमें कुछ ना कुछ तो डालते ही रहना चाहिए। तो इससे महीने में एक बार अगर आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, या आपके पास किचन कंपोस्ट हो, आप उसको डाल देंगे, तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये देता रहेगा। और बीच बीच में जब आप इसमें और प्लांट्स में अपने डालते हैं,
तो थोड़ा सा पोटेशियम रिच कोई भी फर्टिलाइजर, बनाना पील या अनियन पील, या कभी कभी आप सरसों की खली का फर्टिलाइजर भी इसमें बहुत कम क्वांटिटी में डाल देंगे, तो भी ये जो प्लांट है बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। इन्फेस्टेशन से बचने के लिए इसको आप 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करते रहें, ताकि कोई प्रॉब्लम इंसेक्ट्स वगैरह की आने ही ना पाए। और रूट रॉट से बचने के लिए आप इसमें ओवर वाटरिंग से हमेशा बचें, पानी को आप देख कर दें, बहुत वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। तो इस तरह से, और हाँ, इसका जो प्रोपोगेशन है, आप जैसे सकुलेंट्स के करते हैं तो इसकी भी कोई स्टेम, इसकी स्टेम आप देखिए बहुत मोटी होती है, और आप इसको कोई भी स्टेम काट के आप लगा देंगे तो सकुलेंट जैसे आप लगाते हैं उसी तरह से इसको भी लगा देंगे, तो आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको, इसके जो सीड्स होते हैं उससे इसको ग्रो किया जा सकता है। प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती रहे तो एक टिप जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि जो पुराने फूल हैं आप इनको हटाते रहेंगे तो प्लांट की एनर्जी उसमें सीड बनाने में नहीं लगेगी। और हाँ, अगर आप सीड चाहते हैं तो एक दो फ्लावर्स को छोड़ सकते हैं ताकि आपको समय रहते सीड भी मिल सके, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसकी स्टेम से कोई नया प्लांट तैयार कर लीजिए। तो बस ये थोड़ी सी देखभाल है बिगोनिया की, जिसको करके आप अपने गार्डन में बहुत सारा कलर भर सकते हैं, बहुत कम देखभाल में, बहुत छोटे पॉट में। जिनके पास घर में पॉट रखने की समस्या होती है कि बड़े पॉट कहाँ से ले आएँ, और तो बहुत छोटे पॉट में ये आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।